जय हिंद दोस्तों, जय शिव काली। फिलहाल यहाँ सब कुछ पैक करके निकलने वाले हैं। भाई तुम लोगों का नाम क्या है? ताना पीपू। काना टीपू पीपू ताना पीपू ताना पीपू तेरा बसिन बसु मतारे। तो भाई थैंक्स तुम लोगों को, मेरे को रहने के लिए थोड़ा सा जगह दिया। फिर फिलहाल के लिए मैं निकलने वाला हूँ। अरुणाचल का ये नजारा भी देखो। हाँ अरुणाचल कैसा है उसको देखो। अभी ईटानगर में घुस चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर सेक्टर स्टार्ट हो गया ना, सो पता चल रहा है। और ईटानगर में बहुत ज़्यादा घूमेंगे नहीं फिलहाल हम। इधर है, पता नहीं किधर है, रास्ते से जा रहे हैं हम। सीधा रास्ता बस ईटानगर को छूते हुए निकल जाएंगे आगे की तरफ, और फिर असम होते हुए नागालैंड की तरफ। बस मेन रोड होते हुए जा रहा हूँ फिलहाल। ये ईटानगर है, आसपास में बहुत सारे मार्केट वगैरह दिख रहे हैं, बट अभी घुसने का नहीं है, सकता है ना रास्ते से उतना ही देखेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। हालांकि यहाँ पे मेरा साइकिल का ब्रेक भी थोड़ा सा ठीक ठाक काम नहीं कर रहा कि एक हाथ से पकड़ के वीडियो बना सके, कि दोनों का ब्रेक थोड़ा लूज़ हो गया। सो यह ईटानगर चलते हैं। सो अभी ईटानगर की तरफ से हम निकलने वाले हैं। आज हलौंगी होते हुए आज ही आसाम में घुस जाएंगे। सो आप पता नहीं कहाँ पे रुकेंगे रास्ते में, कहीं पे टेंट लगा लेंगे। यहाँ पे मेन शहर से बाहर निकलने के बाद ना दिक्कत नहीं होती है, टेंट लगाने की जगह मिल जाती है बहुत सारी। तो फिलहाल निकलते हैं ईटानगर में, फिर से वापस आएंगे। ईटानगर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। जितना भी मैंने ना बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी है, पर रास्ते से चलते हुए जितना बहुत सारे भाप सकते हैं ना वो होता है कुछ, तो अच्छा लगा मुझे ईटानगर भी। और फिलहाल निकलेंगे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, और बाकी फिर आएंगे वापस। ईटानगर से निकल चुका हूँ, फिलहाल हालोंगी के रास्ते में हूँ, हालोंगी की तरफ जा रहा हूँ। आज अब पता नहीं कहाँ पर जाकर रुकूँगा कि नहीं, और फिलहाल तो चल रहा हूँ। हाँ हालोंगी के रास्ते बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत है। ईटानगर में रुकने का नहीं था, और फिलहाल आज कोशिश करूँगा कि आसाम घुस जाऊँ। सो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। इधर एक चेक पोस्ट दोनी पोलो एयरपोर्ट हलोंगी बारोकेमी गोहपुर 25 विश्वनाथ चाराली 87 तेजपुर 153 गुवाहाटी 324। हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, फिलहाल गोहपुर की तरफ जा रहे हैं, असम की तरफ। और असम में कुछ दिन होते हुए नागालैंड जाएंगे। काफ़ी अच्छा है और खूबसूरत भी है। ओ ये जगह बेहद मज़ेदार लग रहा है मुझे। अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी ये देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल है। तो इस जगह को होलोंगी कहते हैं, और ये अरुणाचल और असम की बॉर्डर है। फिलहाल मैं आज अरुणाचल से निकल जा रहा हूँ। आज वैलिडिटी भी लैप्स होने वाला है परमिट का, और एक महीना मैं अरुणाचल प्रदेश में घूम चुका हूँ। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ होलोंगी से अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे और देखते हैं कब आना होता है। अभी शाम हो चुका है, मैं काफ़ी देर से असम में अभी असम में घुस चुका हूँ, और काफ़ी देर से मैं टेंट लगाने का जगह ढूँढ रहा हूँ। दो तीन जगह अच्छा सा देखा था, बट मैंने पूछा पर वहाँ पे लोगों ने अलाउ नहीं किया ना, आसपास के जो लोग थे वो मना कर दिए। खैर अभी देखते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।